नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है बीमार माँ। लगभग 10 साल का लड़का राधा नाम की एक आंटी का जोर जोर से गेट बजा रहा था। राधा आंटी ने बाहर आकर पूछा, क्या है, क्या चाहिए? लड़का बोला, आंटी जी, क्या मैं आपका गार्डन साफ कर दूं? तभी राधा आंटी ने कहा, नहीं, हमें नहीं करवाना। गरीब लड़का हाथ जोड़ते हुए बोला, प्लीज आंटी जी साफ करवा लीजिए ना, मैं आपका गार्डन अच्छे से साफ कर दूंगा। तभी राधा आंटी मान गई और उसने उस लड़के से पूछा, तुम सफाई करने के कितने पैसे लोगे? तभी गरीब लड़का बोला, मुझे पैसे नहीं आंटी जी, थोड़ा खाना दे देना। आंटी कहती है, ओह लगता है बेचारा भूखा है। तो वो कहती है, लड़के ऐसा करो, तुम्हें भूख लगी है तो मैं तुम्हें पहले खाना दे देती हूँ, तुम पहले खाना खा लो, फिर तुम बाद में सफाई कर लेना। लेकिन गरीब लड़का कहता है, नहीं आंटी जी, पहले मैं सारा काम कर लूँ, फिर आप मुझे खाना दे देना। ठीक है कहकर राधा आंटी अपने काम में लग गईं। एक घंटे बाद वह लड़का कहता, आंटी जी मैंने सफाई कर दी है, आप देख लीजिए सफाई अच्छे से हुई कि नहीं। राधा आंटी, अरे वाह लड़के, तुमने तो बहुत बढ़िया सफाई की है, मैं तेरे काम से बहुत खुश हूँ, तुम यहाँ बैठो, मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आती हूँ। जैसे ही राधा ने उसे खाना दिया, वह लड़का जेब से पन्नी निकाल कर उसमें खाना रखने लगा। तभी राधा आंटी कहती हैं, तुमने भूखे रहकर इतना सारा काम किया है, अब खाना तो यहीं बैठकर खा लो, अगर खाना कम पड़े तो मैं तुम्हें खाना और दे दूंगी। तभी गरीब लड़का कहता है, नहीं आंटी जी, मेरी बीमार माँ ने कल रात से कुछ नहीं खाया और सरकारी अस्पताल में उन्हें दवाई तो मिल गई है, पर डॉक्टर साहब ने मेरी माँ से कहा है दवाई खाली पेट नहीं खाना, इसलिए मैं सुबह से काम ढूंढता हुआ आपके पास आया था। उसी वक्त उस गरीब लड़की की बात सुनकर राधा आंटी रो पड़ी और अपने हाथों से उस मासूम लड़के को उसकी दूसरी माँ बनकर खाना खिलाया, फिर उसकी बीमार माँ के लिए भी रोटियाँ बनाई और उस लड़के के साथ जाकर उसे भी खाना दिया और कहा, बहन आपने जो शिक्षा और समझदारी आपने अपने बेटे को दी है, शायद हम अपने बच्चों को कभी नहीं दे पाएंगे। तो दोस्तों, इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि हमें अपने माँ बाप का सेवा करना चाहिए और साथ ही किसी गरीब मजदूर की भी सहायता करते रहना चाहिए। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी कमेंट करके ज़रूर बताएं। ऐसी और मज़ेदार कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद दोस्तों।